माननीय प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद स्थापित करते हुए हंसते मुस्कुराते ये चेहरे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री जी चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इस कला दीर्घा में प्रदर्शित चुनिंदा कलाकृतियां एवं मूर्तियां केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षकों की रचनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति है। छात्र अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ इन चित्रों के संदेश को साझा करते हुए अहिंसा और शांति का संदेश देता हुआ महात्मा गांधी का यह चित्र साथ ही भगवान बुद्ध का चित्र और प्रसन्न चित्र एक बालिका का चित्र और साथ ही एक और प्रसन्न चित्त बालिका जो महाकाली शक्ति स्वरूप देवी के चित्र के विषय में माननीय प्रधानमंत्री से अपने विचार साझा कर रही है। हाल ही में आयोजित केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय के शिक्षकों की रचनात्मकता को प्रकट करने के लिए विभिन्न स्तरों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में इन शिक्षकों ने अपनी सौंदर्यात्मक अभिरुचि को यथार्थवादी लोक कला अमूर्त कला एवं पारंपरिक कला वर्ग के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों जैसे जल रंगों एवं तैलीय रंगों द्वारा प्रस्तुत किया है। ये कलाकृतियां और मूर्तियां भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को प्रकट करती हैं। यदि ये कृतियां एक ओर जीवन के तनाव को मुक्त करती हैं, तो दूसरी ओर इन कलाकारों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उनकी अपेक्षाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी है। मधुबनी और गोंड कलाकृतियां यहां इस चित्रकला में प्रदर्शनी में प्रदर्शित भारतीय जीवन और समाज की विविधताओं को दर्शाते हुए यह चित्र उत्साह से भरे ये छात्र अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ इस चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए These artworks have a two-way ripple effect. One of being an excellent stress buster and the other being an exquisite expression of their life, visions and aspirations. देश के शीर्षस्थ नेतृत्व द्वारा ये एक ऐसी पहल है जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ता है और उनके सामने तनाव मुक्त आनंदमय परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जी देर में वो शुरू करी और हमने आपको बताया जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का।
माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे बीच में, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी पधार चुके हैं, माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंतजार करते हुए, उन पलों उन क्षणों का इंतजार करते हुए जब वह अपने प्रिय प्रधानमंत्री के सम्मुख होंगे। In a couple of minutes from now, would begin the unique interaction. माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। Proactive in serving others. For that is an excellent way to realize your own hidden strengths. देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी के हाथों में है और देश के शीर्षस्थ नेता माननीय प्रधानमंत्री जब छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, उनके शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करते हैं तो एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। आज तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में यहाँ 2000 से अधिक छात्र, शिक्षक और उनके अभिभावक मौजूद हैं। 2000 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर गैदर्ड हियर एट द तालकटोरा इंडोर स्टेडियम टू इंटरैक्ट विद the Honorable Prime Minister. This year, in the second edition of Pariksha Pe Charcha, not only students from India, but also foreign students from different countries like Russia, Nigeria, Iran, Nepal, Doha, Kuwait, Saudi Arabia, and Singapore would be taking part in this interaction. The Prime Minister has always encouraged students. से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। तंत्र को जन से जोड़ने वाले, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने सानिध्य का आशीर्वाद देने वाले, नए भारत की विजय पताका विश्व में लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। वी ऑल्सो एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री प्रकाश जावड़ेकर जी।
यहाँ मौजूद सभी गणमान्य अतिथियों का, सम्माननीय महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित तथा देश विदेश से जुड़े स्टूडेंट्स, टीचर्स तथा पेरेंट्स का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। परीक्षा का प्रेशर, एग्जाम का स्ट्रेस, पहले लगता था कि ये ज्योमेट्री का ट्रायंगल है जिसके तीन कोने हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, और ये उनका अपना डोमेन है बस। फिर परिवर्तन के सूर्योदय में सब कुछ बदल गया, सोच भी, दशा भी, दिशा भी और देश भी। खुद एक भी दिन छुट्टी न लेने वाले, जन जन की सुध हर दिन लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टूडेंट्स के इस डर और इस दर्द को समझा और परीक्षा पर चर्चा की, बच्चों की सोच बदली और आज तो पेरेंट्स, टीचर्स भी शामिल हैं इस चर्चा में, और वो भी देश से भी, विदेश से भी। तो चलिए पहले परीक्षा पर चर्चा 2018 और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इस संबंध में लिए गए इनिशिएटिव्स पर एक नज़र डालते हैं एक छोटी सी फिल्म के द्वारा, और फिर हम देखेंगे एक सांस्कृतिक प्रस्तुति जिसमें होंगे भारत के वाइब्रेंट रंग, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की मुस्कुराहटों के संग। यही तो है बदले हुए इंडिया की नई उमंग। और हाँ, एक बात और, इसमें जो आप गीत सुनेंगे वो इन टीचर्स पेरेंट्स ने खुद गाया है। दिव्यांग रीनी ने कीबोर्ड खुद अपने एक पैर की उंगलियों से बजाया है। तो पहले देखते हैं एक छोटी सी फिल्म। सुबह की कच्ची धूप के साथ हजारों छात्रों के चेहरे पर एक नई उमंग खिली है। वजह है एक खास अवसर, अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने का। देखिए, एक तो भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं, ये पक्का कर लीजिए कि मैं आपका दोस्त हूं। और उनके साथ आमने सामने बातचीत करने का। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है, तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? ना, मुझे पक्का लगता है अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। ये अवसर है परीक्षा पे चर्चा का। परीक्षा पे चर्चा एक खास चर्चा थी जिससे प्रेरित होकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिशाओं की ओर कदम बढ़ाए। स्कूल बैग्स के वजन को कम करने के नियम बनाए गए और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के कंटेंट को कम किया गया है। अगले साल सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को मैथ्स में दो ऑप्शंस मिलेंगे। शिक्षा को रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की ओर बढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के लिए लाइब्रेरी ग्रांट्स और स्पोर्ट्स ग्रांट्स की शुरुआत की गई है। बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम हो उसके लिए दीक्षा के अंतर्गत बच्चों को सीखने के लिए अच्छी ई सामग्री देने की शुरुआत की गई। रंगोत्सव जिसके अंतर्गत कला उत्सव, रोल प्ले, फोक डांस, बैंड कॉम्पिटिशन व भाषा संगम शामिल है। समय आ गया है कि छात्रों के अलावा शिक्षकों, अभिभावकों को भी चर्चा में शामिल किया जाए। समय आ गया है परीक्षा पे चर्चा सत्र 2.0 का। फ्री फ्रॉम ऑल स्ट्रेसेस, फुल ऑफ एनर्जी, ये है एक सांस्कृतिक प्रस्तुति। Give me more, give me more, give me more.
माँ माँ देखो देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, मुझे भी डांस सीखना है। नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो IIT में एडमिशन कैसे होगा। अरे उसे डांस सीखने दो, इससे स्ट्रेस कम होगा और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, क्या पता हो सकता है एक दिन ये फेमस डांसर बन जाए। बच्ची को देखो, रिनी क्लास 11th में है, इसके सामने कितनी कठिनाइयां हैं, लेकिन इसने हार नहीं मानी और हंसते हंसते हर एग्जाम का सामना कर रही है। क्या हम और आप सारे पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स इनसे कुछ सीख सकते हैं? पापा, मैम, सर, आप भी अगर हमारी तरह सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और बाकी एक्टिविटीज करेंगे तो आपका भी स्ट्रेस कम होगा और उससे हमारा भी। चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ फायदा होगा। बल्लव रे नखवा, ओ बल्लव रे रामा, बल्लव रे नखवा, ओ बल्लव रे रामा, डोल कर डोल कर दरिया सराजा, नी डोल कर डोल कर दरिया सराजा, घर बनावारी बंदरा ला कर तो ये जा, नी डोल कर दरिया सराजा, वल्लव रे नखवा, ओ वल्लव रे रामा, वल्लव रे नखवा, ओ वल्लव रे रामा। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर
अपने ही जाल में फसत जात हम असत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार बादल पे पांव है या छोटा गांव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है बादल पे पांव है या छोटा गांव है अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है तो देखिए आपने नए भारत की नई एनर्जी नई खुशी एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इतने सारे उत्सव हैं हमारे देश में अब एक उत्सव इसमें और जुड़ गया है और वो है परीक्षा का उत्सव और उसे सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे बच्चे भी पेरेंट्स भी और टीचर्स भी हम दक्ष लक्ष्य को पाने में हम दक्ष लक्ष्य को पाने में सक्षम है आगे जाने में हम दक्ष लक्ष्य को पाने में सक्षम है आगे जाने में साहस है संयम सदाचार अपने हर ताने बाने में और अब हम निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें देश के लाडले हमारे सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के कोने कोने से आए हुए सभी छात्र छात्राएं पेरेंट्स और टीचर्स भी सबका स्वागत है और केवल आज हम यहां तालकटोरा स्टेडियम में उपलब्ध नहीं है केवल आज देश विदेश से ओमान से ईरान से रशिया से नाइजीरिया से सिंगापुर से भी छात्र पेरेंट्स और टीचर जुड़ गए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं शायद ही दुनिया का कोई ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने छात्रों के जीवन में आने वाली और हर घर का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है परीक्षा इस परीक्षा पे लोगों को दिल से बात की है लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखा था एग्जाम वॉरियर जो अब 14 भाषा में अनुवादित है
और इसकी लाखों प्रतियां छात्रों ने और पेरेंट्स ने और टीचर्स ने देखी है, लेकिन वो उस पर एक जीता जागता संवाद छात्रों के साथ पिछले साल यही किया गया था, परीक्षा पे चर्चा। इस साल परीक्षा पे चर्चा 2.0 दूसरा संस्करण, उसमें पिछले बार 7 करोड़ लोग जुड़े थे, इस बार 12-14 करोड़ लोग जुटेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। यह अद्भुत है, चुनाव का माहौल है। पिछले साल एक छात्र ने पूछा था कि सर आपकी अगली बार भी परीक्षा है तो आप कैसे करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां है, इनको जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। ये ऐसा सहज ही नहीं होता। प्रधानमंत्री एक तड़प से, मन से, पैशन से और प्रवृत्ति से भी एक अच्छे अध्यापक है। हम कैबिनेट में है तो हमें भी वो जिस तरह से समझाते हैं, कुछ नई चीजें करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वही तो इस देश का भाग्य है। और इसलिए आज जो अभी बताया गया, लर्निंग आउटकम्स हो, अटल टिंकरिंग लैब्स हो या समग्र शिक्षा हो, जिसके तहत पढ़े भारत बढ़े भारत और खेले इंडिया खिले इंडिया, ये जो काम हो रहा है ये भी प्रधानमंत्री जी की कल्पना से और प्रेरणा से हम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हमारा भी नारा है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। आइए प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है। वर्ष भी मुझे उन छात्रों को मिलने का मौका मिला था जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। इस बार भी मुझे मौका मिला है, मैं शिक्षा विभाग का आभारी हूं कि मुझे आप लोगों के मिलने का मौका दिया। आज खुशी की बात यह है कि करीब करीब हिंदुस्तान के सभी राज्यों के विद्यार्थी आज यहाँ मौजूद है। एक प्रकार से लघु भारत मेरे सामने है। लेकिन दूसरे इस प्रकार से भावी भारत भी मेरे सामने है। आप लोगों से संवाद करने से पहले, आज सुबह ही हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस, उनका निधन हो गया। वे एक जुझारू नेता थे, जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो। आपातकाल में, इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने। लेकिन गत कई वर्षों से वो बीमार थे, अनकॉन्शियस थे, सालों तक बिस्तर पे रहे। आज वो हमें छोड़ के चले गए। मैं आदरपूर्वक
जॉर्ज साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये परीक्षा पे चर्चा पिछले बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बदलाव आए हैं। दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी, तो वो भी जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व हो, वहां के विद्यार्थियों से बात हो। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, और ये बात अधूरी रहती अगर इसमें अभिभावक न होते, पेरेंट्स न होते, टीचर्स न होते। और इसलिए कोशिश की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में जो सीधे संपर्क में आते हैं, उन सबसे संवाद करने का ये अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं कि उसमें जो बातें बताई गई हैं, उसके बाद मेरे कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है। वो सारी बातें उसमें समाहित है। अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले, तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और उस पूरे कार्यक्रम में रीना ने जो कमाल दिखाई है, दो हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मैंने बताया था कि हाँ, आप भूल जाइए कि आप किसी समारोह में बैठे हैं। आप ऐसा ही मानिए कि आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में ही गप्पे गोष्ठी कर रहे हैं और अपना ही परिवार का कोई चीर परिचित चेहरा हमसे गप्पे मार रहा है। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, न मुझे अभिभावकों को कोई उपदेश देना है, न टीचर्स को कोई उपदेश देना है, और न ही विद्यार्थियों को देना है। मैं यहां आपके बीच खुद को अपने जैसा, आपके जैसा, आपकी स्थिति मनस्थिति वाला कुछ पल मैं जीना चाहता हूं, जैसे आप जीते। आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? माननीय, इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूली दत्ता, जो कि कोलकाता से हैं, एक टीचर हैं, और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्कार सर, माय नेम इज रूली दत्ता and I teach biology at Kendriya Vidyalaya, IIM Joka, Kolkata. My question to you, sir, is, as a teacher, what do you tell parents who consider exams as make or break situation for their children's future? Thank you, sir.
एज ए टीचर हमें उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि एग्जाम से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। मानी इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूं और मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएँ हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय, आपसे निवेदन है कि कृपया इन्हें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है, दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती है ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एकाध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी का मतलब है। और दूसरी बात है प्रेशर। कभी कभी तो हम बालकों की मनस्थिति ऐसी होती है कि एक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि माँ मम्मी पापा कुछ भी कहे तो मैं लगता है ये मेरा बिगाड़ रहे हैं,
मैं जो कर रहा हूं सही है, इनको कुछ समझ नहीं आती, ऐसा ही होता है ना, ये कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। पहले हम खास करके मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि हम अपने माँ बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने। सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एक आध बार पूछते, अरे मम्मा ये समझ नहीं आया जरा, ये क्या कह रही थी। एक बार इतना कर लीजिए, शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मैंने बहुत कह दिया तुझे। आपको मम्मा को समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगी। इसलिए छोटी चीजें व्यवहार की होती है, और फिर कभी जब मम्मा पापा अच्छे मूड में हो तो आप ही अपना दृष्टिकोण कि मैंने बहुत सोचा, आपने उस दिन कहा था ना मंडे को, तो बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कोशिश भी की लेकिन कम पड़ गया, मुझे बताइए ना कैसे करूं। आपकी एग्जाम पूरी, उनकी एग्जाम शुरू, घंटे पर उनको समझ दिया है क्या जवाब थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके मां बाप का बोलती बन करना सिखाता हूं आपको, लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है, बाद में मां बाप से आप देखिए एक मित्र भाव से आपका संवाद शुरू होगा, वे आपके हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए। सारी सजा बच्चों पर दे रहे हो। वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने नहीं करना था। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी मां बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपने देखा होगा घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उठ करके चलना सीखता है तो मां क्या करती है, वो उठता है एक दो कदम करके गिर जाता है तो डांटती है क्या, ताली बजाती है। ताली बजाती है, उस बच्चे को लगता है गिरना बुरा नहीं है, उसने भी हितने की आदत है। अब किसी मां को किसी प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा गिर जाए तो ताली बजाना, किसी किताब में पढ़ा था क्या? लेकिन उसको मालूम है कि बच्चे का हौसला बुलंद बढ़ाना है, फिर क्या करेगी, तीन चार कदम चलना सीखेगा तो मां उसको कोई प्रिय चीज उसको लेकर के दूर खड़ी रहेगी और कहेंगे आओ 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 आओ, है हटती जाएगी, ऐसा करती है ना वहां। और बच्चे को भी करता है कि मैं जरा दौड़ करके ले आऊं, उसका हौसला बुलंद करती है मां बाप। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद, बचपन में सब किया होने के बाद भी
एक स्थिति आने के बाद माँ का मन हो जाता है, बाप का मन हो जाता है, बस अब तो वो तैयार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती वहीं से शुरू होती है। माँ बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रूप में देखना चाहिए, पुचकारना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर गिर भी जाता है तो हौसला बुलंद करना चाहिए। उसको नीचे गिरता हुआ देख करके उसको डांटते रहने से कोई परिवर्तन नहीं। जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है, एक प्रकार से अपेक्षाएं अच्छी चीज है। मैंने कहा ना, बालक को मां दूर रह करके दौड़ाती है, वो अपेक्षा है कि भाई तुम अब 10 कदम दौड़ के मेरे पास आओ। अपेक्षा आवश्यक होती है। अपेक्षाओं के कारण हमें भी कुछ ज्यादा करने की इच्छा जगती है। अगर अपेक्षा ही नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, एक पेशेंट हो जिसमें जीने की इच्छा ही ना हो, अब ठीक होने का मन ही न करता हो, ऐसा ही छोटा मृत्यु का इंतजार करना है, कितने ही बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ला दो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया अस्पताल ला दीजिए, वो पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो निराशा में की गर्त में डूबा हुआ समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भला कर सकता है? और इसलिए आशा और अपेक्षा ऊर्ध्व गति के लिए अनिवार्य होती है। और मैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप अब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था, यह बहुत स्वाभाविक है कि समाज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए। वरना ये छोड़ो यार, मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं, चलो यार अपना काम करें। जी नहीं, वो कहता है मोदी जी आप है और ये नहीं होता है, ये तो विश्वास है। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशन जगा दिए, मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशन होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है। अपेक्षाओं के बोझ में दबने नहीं चाहिए, हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। चलिए, लंबा हो गया जवाब आपका। सर, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार शर्मा, जो कि एक अभिभावक हैं। इनकी एक परेशानी है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है, मैं रूपनगर जम्मू का रहने वाला हूँ। आजकल बच्चों पर ही नहीं, हम पेरेंट्स पर भी हमारे साथियों का दबाव होता है, किसका बच्चा कितने अच्छे अंक लाता है, इस टेंशन से बाहर कैसे निकला जाए? धन्यवाद सर। माननीय, ऐसा ही एक सवाल है नॉर्थ ईस्ट यानी इम्फाल से, पेवम नीला कुमारी ने पूछा है, ये भी एक अभिभावक हैं। कुरुमजरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम पेवम नीला कुमारी फ्रॉम इम्फाल मणिपुर। एज अ पेरेंट and also a working woman, I would like to know how can I distress myself during examination of my children. Thank you, sir. अभिभावक के रूप में मेरे बच्चों के एग्जाम्स के वक्त मैं तनाव मुक्त कैसे रहूं? माननीय टाइम्स नाउ के द्वारा भी बैंगलोर से एक सवाल पूछ रही है लावण्या, ये एक स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग, आई एम लावण्या आर, स्टडिंग इन सेंट मैरिज पब्लिक स्कूल, क्वींस रोड, बैंगलोर। I am a viewer of Times Now. My question is to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Good morning, sir. Today my question is, how can we students overcome the fear which has been pressure and fear which has been created by our parents, teachers and all our loved ones? स्टूडेंट्स हमारे पेरेंट्स, टीचर्स तथा हमारे प्रियजनों के द्वारा बनाए गए दबाव का डर मन से कैसे निकालें? सर, बच्चों और पेरेंट्स दोनों के ही तनाव की बात हो रही है, हम सब उत्सुक हैं आपका जवाब सुनने के लिए। अभिभावकों के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होने चाहिए, अपेक्षाएं भी होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर से परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मानव खाना बनाया आपने, वो अपने मन से खा रहा है,
लेकिन चूंकि आपने अच्छा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, फिर बच्चों को कहो खाओ 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 तो खड़ा होकर के चला जाता है, होता है कि नहीं होता है? प्रेशर से रिएक्शन आता है, ऐसा न हो इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि उनको सोसाइटी में मेरा बेटा ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे बस इश्यू को लेके घूमते रहते हैं, और इसके लिए वो आपको घर में आकर के, अच्छा आप ठीक ना करें तो घर में ही डांटते, मैं कैसे जाऊंगा उसकी शादी में, तू क्या रिजल्ट लाया है, मुझे लड़के पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करते हैं ना। यानी आपका सफलता या विफलता उनके सोशल लाइफ पर जैसे पता नहीं बड़ा बड़ा पहाड़ गिर जाता है, और उसके कारण वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे, इसलिए माँ बाप बच्चों पर यह प्रेशर डालने की आदत बन जाती है। इरादा नहीं है उनका, उनको साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो भी सही तरीके से इसको करें, हकीकत में माँ बाप ने एक उम्र के बाद बच्चे से नाता तोड़ दिया होता है। जब छोटा बालक होता है तो वही माँ बाप उसकी गलतियों का वर्णन बखूबी अपने मेहमानों के बीच करते हैं, कल इसने ऐसा कर दिया, उसने पूरा दूध का बोतल गिरा दिया, उसने कल उसका गर्म चाय नीचे गिरा दी, जल गया, गलतियों का भी वर्णन करते, क्यों, उसकी एक्टिविटी को नोट करते हैं। हम अपने बच्चों के बालक अवस्था में उसकी हर बारीकी से देखते हैं, लेकिन 7-8 साल की उम्र होने के बाद हमें लगता ही नहीं है कि उसकी हर बारीकी को देखना चाहिए। अब उसमें क्या बदलाव आ रहा है, कौन सी रुचि ले रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, करीब करीब माँ बाप का ये नाता बच्चा 7-8 साल का हो रहा है तो टूटता चला जा रहा है। वो 3 महीने 6 महीने का था तब जितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे, जब तक वो वयस्क नहीं होता है तब तक आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करने का मतलब नहीं है कि आपने सोचा है उतनी समय ढालना चाहिए, देखते रहना चाहिए, उसकी ताकत आपको ध्यान में आएगी। अगर इतना सा कर ले तो ये जो प्रेशर का वातावरण बन जाता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हमारे बीच में एक माँ मौजूद हैं जो कि बेसिकली असम से हैं पर दिल्ली में रहती हैं, थोड़ा परेशान हैं और उनकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहती हैं। मधुमिता सेन गुप्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है, मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूँ। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंट लाइन वाला होगा।
ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा, और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है, क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर मां बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोकने, मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए, मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विषयों की चर्चा करते रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। अदरवाइज जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है, कभी कभी माँ बाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है लेकिन परीक्षा के दिनों के कुछ दिन पहले बीमार हो जाता है तो माँ बाप का पसीना छूट जाता है, अरे भाई पहले उसको किताब पढ़ाता है कहीं खेल के मैदान में भी तो भेजना था। आप में से कभी सोचिए, मैं कभी मेरा ये मेरी बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा ये पिछले मुख्यमंत्री साहब से एक लगातार कार्यक्रम चल रहा है, अब रूप उसका रंग बदलता जाए लेकिन मैं करता रहता हूं। मैंने देखा है कि मैं कभी बच्चों को पूछता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में चार बार मेहनत करने के कारण पसीना आया है शरीर पे, आप हैरान हो जाएंगे। गांव के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है, अब ऐसी कैसी जिंदगी, हंसना खेलना खुले मैदान में, ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए और वो एक नई ऊर्जा देता है। और इसलिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे हो, मैं स्वयं टेक्नोलॉजी बहुत शक्तिशाली मानने वाला व्यक्ति है, मैं खुद इसका उपयोग आज भी जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात कर रहा हूं उसका कारण टेक्नोलॉजी का उपयोग है। तो एक ही चीज के दो अच्छे पहलू होते हैं, एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है। आपकी ये चिंता सही है लेकिन आप उसके साथ बैठिए, उसको कभी आप काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा चावल पकाते हैं, देखो बेटा टेक्नोलॉजी में जरा ढूंढ के मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल, तो उसको लगेगा हाँ माँ मुझे टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को चावल पकाने का नागालैंड की पद्धति क्या है वो सीखना चाहती है, वो टेक्नोलॉजी आप दोनों को जोड़ने का कारण बन सकती है और उसका भी मन टेक्नोलॉजी से नई नई चीजें जानी जा सकती है, सीखी जा सकती है, जो जीवन में काम आ सकती है उस पर आप धीरे 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 उसको ले जा सकते हैं। आप कभी उसको पूछ सकते हैं कि भाई आज हमने सुना है कि स्पेस में ऐसा हुआ है, या आज हमने सुना है कि साइक्लोन आना है, तो तुम देखो जरा ये साइक्लोन आने की खबर कैसे देते हैं ये, तो वही बच्चा उसमें काम करेगा। आप उसको धीरे 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 टेक्नोलॉजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइए
और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा विकास की दिशा, तो गलत रास्ते पर जाने से बजाय, समय बर्बाद करने के बजाय, खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाय, और मैं समझता हूं जुरा प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो, तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें। सर, वंश अग्रवाल फरीदाबाद से हैं, यहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। इनका सवाल थोड़ा सा हटके है। वंश नमस्कार। सर, सर मेरा नाम वंश अग्रवाल है और मैं मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करना चाहिए? हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में कंजर्वेटिव होना चाहिए या सदैव बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए? इसमें आपका अनुभव क्या कहता है? धन्यवाद। माननीय, इस पर हम सबको कुछ पता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा हाथ ऊपर करना। ऐसा कितने लोग मानते हैं कि लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए? जरा हाथ ऊपर करें। जो ये मानते हैं लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा कितने लोग हैं? दो तीन लोग ही हैं। जो मानते हैं लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, कितने हैं? तो डेमोक्रेटिक वे में तो तय हो गया। हम लोग गुजरात में बचपन से कहावत सुनते हैं, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। यानी अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब लक्ष्य तय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। यानी लगता है भाई, मान लीजिए मुझे यहां छूना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं छोड़, मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन एक फुट अगर जंप लगा लूं तो मैं पकड़ सकता हूं, मतलब मेरी पहुंच में है, मेरी पकड़ में नहीं है। एक बार पहुंच वाला लक्ष्य होगा, जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नया लक्ष्य का की प्रेरणा उसी में से पैदा होगी। और इसलिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम कुछ ना करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य की बातें करते रहे। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछें कि क्या करते हो, तो मैंने देखा तो वो कहते थे सीए कर रहा हूं। तो मैं हैरान था, इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो पता चला कि वो, ये मैं कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि ये सीए कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उधर बातें करते देखने, मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं, ये जवाब बड़ा भारी रहता है। अब 20-22 साल की उम्र हो गई है, रिश्ते भी आते हैं, तो माँ बाप क्या जवाब दे? तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है। अब ये लक्ष्य नहीं है जी, ये तो एक प्रकार से चालबाजी है अपने आप को सुरक्षित करने की। हमें पहले अपने आप को भली भांति जानना चाहिए, अपने तरीके से जानना चाहिए, किसी के संदर्भ में नहीं, अपने माँ बाप के सपनों के संदर्भ में नहीं, अपने टीचर के संदर्भ सपनों के संदर्भ में नहीं, आपके प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में नहीं, खुद के संदर्भ में। मैंने जो तय किया था पहले क्या हुआ उसका, उससे आपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूं, तो तय करो यहां नहीं रुकना है, 5 कदम और जाना है। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। लक्ष्य दो प्रकार के भी होते हैं, एक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे, आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाड़ी चढ़ता है तो पहले छोटी छोटी पहाड़ियों को लक्ष्य बना करके चढ़ते चढ़ते उसको सिद्ध करके फिर अगली चोटी पर जाता है। हमने भी कोशिश यही करनी चाहिए, तब जाकर के मैं समझता हूं कि हम लक्ष्य के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए अंदर कि मैंने तय किया था कहां कमी रही, मेरी मेहनत में कमी रही, मेरे प्लानिंग में कमी रही। इन छोटे छोटे लक्ष्य का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य तक जाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे, पार करते जाएंगे। तो लक्ष्य सिर्फ होना इनफ नहीं है, लक्ष्य पाने के रास्ते में आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अगर आप जागृत हैं, मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष्य बेकार नहीं जाता है, वो लक्ष्य आपको भी सामर्थ्यवान बनाता है। सर, तमिलनाडु से एक छात्र नरेन अपने मन की बात आपसे कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, आई एम नरेंद्रन फ्रॉम पोल्लाची तमिलनाडु। सर, योर सीसलेस एफर्ट्स टू अपलिफ्ट अवर नेशन इंस्पायर ऑल ऑफ अस व्हेनेवर वी फेस इंपेडिमेंट्स और सेटबैक्स, वेदर इन एग्जाम्स, स्पोर्ट्स और एनी अदर कॉम्पिटिटिव सीनरियोज। व्हाट मोटिवेट्स यू सर टू बी एनर्जेटिक एंड टायरलेसली एंथुसियास्टिक इन योर 17 आवर्स हेक्टिक वर्क स्केड्यूल? As students, how can we adhere to proper time management schedule in accomplishing our goals? Thank you, sir. जब हमें exams या खेल या किसी प्रतियोगिता में असफलता मिलती है या मुश्किलें आती हैं, तो आपके द्वारा राष्ट्र को लगातार ऊंचाइयों तक ले जाने के आपके प्रयास हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। 17 घंटों की आपकी व्यस्त दिनचर्या में आपको ऊर्जावान बनाए रखने और बिना थकान महसूस किए उत्साहित रखने में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल का पालन कैसे करें, माननीय कृपया बताएं। आपने अपने परिवार में देखा होगा, आप कभी थक जाते होंगे, आप कभी बोर हो जाते होंगे, आपका मन भी करता होगा नहीं यार ये कुछ और करें, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी माँ का भी तो शरीर होता है, उसको भी कभी थकान लगती होगी, उसको भी कभी बीमारी आती होगी, उसको भी मन करता होगा चलो आज सो जाए, लेकिन वो हर पल कितनी बीमार क्यों ना हो, बच्चे का स्कूल से आने का समय होगा तो हंसते हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी रहती है। अगर उसको कोई सवाल पूछे कि माँ तेरे में ये ऊर्जा कहां से आती है, तुम दिन में 2400 घंटे 8 घंटे किचन में खड़ी रहती हो, इधर दौड़ती हो, टेलीफोन आया तो उसको उठा लेती हो, घर की घंटी बजी तो दौड़ जाती हो, मेहमान आया तो पानी पिला लेती हो, काम वाली नहीं आई तो उसको बुलाने के लिए कोई व्यवस्था करती है, नहीं इतनी सारी चीजें कैसे करती हो? क्यों? परिवार मेरा है, सदस्य मेरे हैं, मां के मन में भाव होता है मैं नहीं करूं तो कौन करे? जब ये भाव पैदा हो जाता है अपनेपन का, तो फिर ऊर्जा अपने आप आती है, थकान कभी घर का दरवाजा नहीं देखती है। मेरे लिए भी 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और 125 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है तो मैं थकान महसूस नहीं करता हूं, हर पल मैं सोता हूं, रात को जब बिस्तर पे जाता हूं तो सुबह का सोच करके जाता हूं, दिन भर कितना किया नहीं किया बात की बात है, कल सुबह नए उत्साह से निकल पड़ूंगा ये सोच करके बिस्तर पे जाता हूं और नए उमंग नई ऊर्जा के साथ आता हूं। जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, आप अगर किसी से समय मांगे और वो ये कहे कि मैं बहुत बिजी हूं,
मेरे पास इन दिनों समय नहीं है, तो आप लिख के रखिए, वो झूठ बोलता है, मतलब उसको समय का उपयोग आता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर आप अपने समय के संबंध में जागरूक हो। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सचमुच में अपने 24 घंटे की दिनचर्या का एटलीस्ट 1 वीक का एनालिसिस किया होगा, बहुत कम होंगे। आप एक काम कीजिए, बीते हुए 1 सप्ताह में आप सुबह से शाम तक अपना याद करके लिखो समय का क्या उपयोग किया, तो आपको ही पता नहीं होगा कि मैंने ये काम क्यों किया यार, मैं तो बेकार में समय बिगाड़ दिया। देखो मैं तो यहाँ खाली बैठा था, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं ऐसे वो चीज को देखता देखा करता था। आप तुरंत सोचेंगे नहीं नहीं ये 6 चीजें कम करूं, ये समय निकलेगा यहां उपयोग करूंगा। टाइम मैनेजमेंट ये हमारे अपने हाथ की बात होती है, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़े MBA, बहुत बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है जी। आप सिंपली अपने यहां घर काम के लिए आने वाली महिला को जरा ऑब्जर्व कीजिए। इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाली जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, वे 10-12 घरों में काम लेते हैं, और उनको पता होता है कि इनके घर में 7 बजे बर्तन साफ करता है, उनके घर में 9 बजे बर्तन साफ करना होता है, उनके घर में 11 बजे कपड़े धोने होते हैं, उनके घर में 12 बजे किचन में जाना। आप देखेंगे साइकिल होगी, स्कूटी होगी, ट्रैफिक का सारा हिसाब किताब होगा, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट होगा। वो 3-4 बजे तक जितने परिवारों में सेवा करती हैं या करता है, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने ऑब्जर्व नहीं किया उसको। यानी जिसने स्कूल देखी नहीं है, क्लास देखा नहीं है, लेकिन उसको भी समझ है कि मेरे समय को मैं ऐसे बांटूं। और आपने देखा होगा किसी घर में अगर नहाने में देर हुई है, कपड़े धोने बाकी हैं, तो कह देती है कि ठीक है रखे रखो, कल साथ में धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी, मेरा समय तय है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया है, यही गड़बड़ है। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सफल लोग होते हैं, जो बिल्कुल हंसते खेलते काम कर रहे हैं, उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है। कभी ट्रेन दौड़ पकड़ने के लिए भागते नहीं है, कभी उसको लंच बॉक्स कभी भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूल जाते हैं, कभी किताब, कुछ नहीं होता है, सब परफेक्ट चलता है। क्यों? उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का हमारा स्वभाव है। हम तय करें कुछ रह जाए तो रह जाए, समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसी समय में से 24 घंटे मेरे पास भी हैं, 24 घंटे आपके पास भी है। ईश्वर ने इसमें सामाजिक न्याय व्यवस्था की हुई है, अमीर से अमीर को भी 24 घंटे हैं, गरीब से गरीब को भी 24 घंटे हैं, और इसलिए उसका सर्वाधिक अच्छा उपयोग करने की आदत आसानी से बनाई जा सकती है। सर, पठानकोट से एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नाम है अमित चौहान। Namaskar sir, myself Amit Chauhan, a science graduate student from AB College, Pathankot. I am very happy to be a part of Pariksha Pe Charcha. And my question from you is, what is the key formula for developing the attitude of accepting studies as a source of fun and interest, not stress? Thank you. बताएं ताकि हम पढ़ाई को fun और interest की तरह लें, तनाव की तरह नहीं। मैंने एग्जाम के स्ट्रेस से ही संबंधित सवाल पूछा है सुरप्रीत डेगोल ने काठमांडू से, ये एक स्टूडेंट हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुरप्रीत डेगोल, अ स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय काठमांडू एंड आई लिव इन काठमांडू। वी स्टार्ट लिविंग विद द टर्म एग्जामिनेशन सिंस आवर प्राइमरी क्लासेस, दिस बिकम्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। डू यू थिंक एग्जाम्स आर हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग आवर पर्सनैलिटी और डू एग्जाम्स ऑब्स्ट्रक्ट आवर ऑलराउंड डेवलपमेंट? थैंक यू सर। हम प्राथमिक कक्षाओं से ही एग्जामिनेशन शब्द टर्म के साथ जीना शुरू करते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। माननीय, क्या आप सोचते हैं कि एग्जाम व्यक्तित्व को निखारती है या फिर एग्जाम हमारे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में रुकावट है? माननीय, कृपया इन दोनों ही सवालों के बारे में हम सबको कुछ बताएं। देखिए, कसौटी
बुरी नहीं होती है, एग्जाम बुरी नहीं होती है, हम उसके साथ किस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं, हम किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा तो सिद्धांत है कि कसौटी कसती है, कसौटी कोसने के लिए नहीं होती है, लोग कसौटी को ही कोसते हैं। एक्चुअली अगर हम अब मान लीजिए किसी को ओलंपिक खेलने के लिए जाना है, अगर वो तहसील में खेला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में खेला नहीं है, स्टेट में खेला नहीं है, इंटर स्टेट नहीं खेला है, नेशनल नहीं खेला है, और वो ओलंपिक के सपने देखेगा तो कहां से होगा भाई, उसको हर पल कसौटी में कसना पड़ेगा। इसलिए हम एग्जाम को कसौटी को एक अवसर माने, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा, और जब चुनौती होती है तो एक ईश्वर ने एक हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत दी होती है। अब देखिए, आप नॉर्मल आवाज में कभी बात करते हैं, लेकिन भीड़ में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर, इतने जोर से बोलते हैं जैसे आर्मी का कोई अफसर की भी आवाज ना निकले, इतनी बड़ी आवाज निकलती है आपकी, भले एक पल के लिए निकलेगी लेकिन ऊर्जा अंदर पड़ी हुई है। एक समय था अपॉर्चुनिटी आई, आपकी ऊर्जा बाहर आई, आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है। आपने ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस कसौटी के समय मेरी वो कौन सी क्षमता जो उभर करके आई है। कभी कभी तो आपने भी देखा होगा ऐसी चीजें आपके मन में से आती होगी, ऐसे विचार आते होंगे, दोस्तों के साथ बातचीत में ऐसा वाक्य निकलता होगा जो कभी आपने भी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके भीतर परमात्मा ने बहुत सामर्थ्य रखा हुआ है, लेकिन उस सामर्थ्यों को परखने के लिए आपका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एग्जाम वो आपको अवसर देती है आपके अपने सामर्थ्य को परखने के लिए। दूसरा, हम एग्जाम के लिए जिंदगी न जिए, हम खुद के लिए जिंदगी जिए। जब हम खुद के लिए जिंदगी जीते हैं, हमें लगता है कि नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज एक्वायर करना शुरू करें तो आप देख लीजिए मार्क्स अपने आप फॉलो करेंगे, आपका पीछा करते हुए करते आपके दरवाजे आप पे खड़े रहेंगे। लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्क्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे, मार्क्स खुद आपको गले लगाने के लिए आपके पीछे दौड़ेंगे। और इसलिए इसको देखने का तरीका, ये अगर आपका साफ सुथरा होगा तो मुझे विश्वास है कि एग्जाम कभी भी बोझ नहीं लगेगी। सचमुच मैं तो एग्जाम को एक उत्सव के रूप में, एक अवसर आया है, चलो वाह मजा आया, गया खेत देखता हूं क्या करता हूं, ये मूड चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद सलीम एक स्टूडेंट हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में BA LLB प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं सोचता हूँ 12वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि कैरियर का चुनाव कैसे करें। उसी प्रकार 10वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करें। पेरेंट्स बच्चों की रुचि को ना समझते हुए उन्हें साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए बाध्य करते हैं। कृपया हमें इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शांभवी शुक्ला जो कि एक छात्रा हैं, आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। नमस्कार सर, दिस इज शांभवी शुक्ला, स्टूडेंट ऑफ BA थर्ड ईयर, वसंता कॉलेज, राजघाट, BHU, वाराणसी। सो माय क्वेश्चन इट इज़ द टाइम फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ माय मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम, सो सर प्लीज़ गाइड मी फॉर अक्वायरिंग बेटर जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। थैंक यू वेरी मच सर। मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, हम बैचलर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का ये एक नया दौर है, बेहतर नौकरी तथा कोर्स को पाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है
कि जैसे हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है. कुछ लोग लिख सकते हैं, कुछ लोग गाना गा सकते हैं, कुछ लोग डांस कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मैथ्स कर सके, साइंस कर सके, जो हमारे देश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है मैथ्स और साइंस करना. तो हम अपने माँ बाप को ये कैसे समझाएं कि अगर हम नहीं कर सकते हैं मैथ्स या साइंस तो हम किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में अच्छे ना हों. तो अपने माँ बाप को ये कैसे समझाएं कि अगर हम नहीं कर सकते हैं मैथ्स या साइंस तो हम किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में अच्छे ना हों. माननीय कृपया इस बारे में हम सबको प्रेरणा दें. आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है. ऐसे समय एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है. लोग अपने अपने अनुभव की बातें बताते रहते हैं. माँ एक सुझाव देगी तो पिताजी दूसरा सुझाव देंगे, तो अंकल तीसरा सुझाव देंगे, तो मोहल्ले के दोस्त और चौथा सुझाव देंगे, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. ये कन्फ्यूज होने के पीछे एक कारण ये है, हमें अपने विषय में पता है क्या, मेरा अपना पैशन क्या है, मेरी रुचि किस में है, और मैं मेरी रुचि के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूं क्या, मेरे सपने क्या है, वो बात की बात है, पहले मेरा पैशन क्या है, और उसके बाद आप मां बाप को भी कन्विंस कर सकते हैं. देखिए, आठवीं कक्षा में मैंने इसमें ऐसा किया था, नौवीं मैंने ऐसा किया था, मेरे टीचर मुझे बता रहे थे. उस समय तहसील के अंदर जब कंपटीशन था तो मैं गया था, मैं ये करके आया था. मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये ताकत है. कभी हमने अपने टीचर जिसके प्रति हमारा लगाव हो उनके साथ बातें करनी चाहिए कि साहब आप मुझे 4 साल से पढ़ा रहे हो, मुझे देखते हो, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए. और ऐसा नहीं कि टीचर समय नहीं देते. अगर कोई विद्यार्थी टीचर के प्रति आत्मीय भाव से जुड़ता है तो उस टीचर को भी लगता है हाँ इस विद्यार्थी को मैं समय दूं, उसको उसको गाइड करूं, उसको भी लगता है. लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का नहीं होता है कि कोई आपको क्या कहता है, माँ बाप क्या कहते हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं. ये समस्या है. कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या. मुझे बराबर याद है, मैं बहुत साल पहले बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जाया करता था स्टूडेंट से परिचय करने के लिए. ये कोई मैं 77, 78, 79 के कालखंड की बात कर रहा हूँ. तो उनसे मिलता था, बैठता था, बात करता था. तो मैं ऐसे ही उनको कभी पूछता था कि आपका मन में इरादा क्या है, क्या सोचते हैं. तो ज़्यादातर बच्चे जवाब देते थे एक बार ग्रेजुएट हो जाऊँ, आगे का पता ही नहीं उसको, एक बार ग्रेजुएट हो जाऊँ. एक बार मैं पूछ रहा था तो एक बच्चा वहाँ गुजरात के बाहर का था, वो वहाँ पढ़ता था, उसने कहा आई वॉन्ट टू रूल. मैं रहा था तो बोले मैं तो आई वॉन्ट टू रूल. तो मैंने कहा क्या राजनीति में जाना चाहते हो क्या. नहीं बोले राजनीति में नहीं जाना है, बोले मुझे बाबू बनना है, बाबू ही तो बोले शासन करते हैं, राजनेता तो बोले आते हैं जाते हैं. मुझे इस मैं ये 40 साल पहले की घटना इसलिए सुना रहा हूं, उस बच्चे को इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है. और बाद में मैंने जरा जानकारी ली तो मैंने सुना कि वो वैसे ही गवर्नमेंट सिस्टम में ही चला गया और अच्छी पोजीशन पे वो पहुंचा था. उसके जो दोस्त लोग थे उनसे मैंने सुना था. कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, फेथ इन कन्विक्शन. मेरा कन्विक्शन में मेरा विश्वास होना चाहिए एंड कैरेक्टर टू एक्ट. उसके अनुसार काम करने वाला मेरा जज्बा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी समय, ये अगर हम डेवलप करें तो हम आसानी से उस दिशा में जा रहे हैं. साइंस मैथ्स उसका एक अपना महत्व है, लेकिन बाकी स्ट्रीम का महत्व नहीं है. ये जो हमारे देश में सोच बनी है वो ठीक नहीं है. साइंस और मैथ्स में हमारे महत्व होने के बावजूद भी जितनी मात्रा में वहां लोग जाने चाहिए नहीं जाते हैं, चिंता का विषय है.
और उसका कारण है कि प्रारंभिक काल में उसको उस प्रकार का जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो हमारे यहाँ शायद कुछ कमी है, और उसके कारण कुछ टीचर्स ने, कुछ स्कूल ने, कुछ अभिभावक ने स्पेशल इंटरेस्ट लेकर के इन चीज़ों को डेवलप किया तो बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं ठीक है भाई, ग्रेजुएट के कारखाने में चले जाएंगे, उधर से कारखाने से निकलते जाएंगे, यही चलता रहता है, और इसलिए आपकी ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप दबाव में आकर के मत सोचिए, आप अपनी क्षमता के आधार पर और उसमें किसी की मदद भी लीजिए, ऐसा नहीं कि आप अपने आप पर बिल्कुल सच्ची होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका अपना जजमेंट गलत हो, लेकिन अगर खुल करके बात करोगे तो शायद आपको सही मार्गदर्शन आपके अगल बगल के लोगों से मिलेगा। सर, मॉस्को से एक स्टूडेंट हैं जो अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हैं, नाम है जेनिथ, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज जेनी जसिंदा आरेंग ऑफ क्लास 9 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मॉस्को। यू हैड गिवन मेनी सजेशंस टू आवर पेरेंट्स लास्ट ईयर, दिस रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ माय पेरेंट्स, एंड नाउ आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद देम अबाउट माय टेंशंस ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ फेलियर एटसेट्रा। Their smile with a statement, "You can do it," makes me much more motivated. I'm really very thankful to you, sir. पिछले साल आपने हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी थी, इसका नतीजा ये हुआ कि उनका नज़रिया ही बदल गया। अब मैं अपने पेरेंट्स से मेरी एग्ज़ाम तथा असफलता का डर, इन सब के बारे में बातचीत करती हूँ। उनका मुस्करा के ये कहना यू कैन डू इट, यानी तुम कर सकती हो, मुझे और भी ज़्यादा प्रेरणा से भर देता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानी इस विषय में कुछ कहें। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है, क्योंकि उन्होंने सही बात को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी पुरानी जो भी हैबिट थी या ईगो था उसको छोड़ करके नए तरीके से उन्होंने सोचने का विचार किया। ये बात साफ है कि अभिभावकों का सकारात्मक रवैया बच्चे की जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। टीचर्स का भी आपने देखा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो तीन चार बच्चों के पीछे उनका लगाव होता है, वो सवाल पूछेंगे तो उसके बात करेंगे, कोई आया सवाल पूछना है तो वो हाथ उठाता है तो उसी को कहेंगे अच्छा बोलो, उनको प्यारा लगता है, उनको लगता है वो तुरंत ठीक कर लेता है, और उसके कारण क्लास के बाकी बच्चों के मन में उस टीचर के प्रति भी एक अभाव पैदा होना शुरू हो जाता है। एक जो सम्यक दृष्टि का अभाव होता है उसका परिणाम होता है। उसी प्रकार से माँ बाप भी, कभी अपने यार दोस्तों के यहाँ गए हो तो आपने देखा होगा कि पता चले कि हाँ इनका बेटा ने ये किया तो उसको बुलाएंगे, सुन देख इसने क्या किया, यानी 25 लोगों की भरी सभा में रिश्तेदारों के बीच में माँ बाप उसको वहीं सिखाना चाहते हैं, देख ये मोहन भाई के बेटे ने क्या किया, देख तू है जो कुछ करता नहीं है, हो गया मामला खत्म। और ऐसी आदत करीब सबको होती है, आप घर में भी जाओगे तो सुनाएंगे कि देखो मामा का बेटा कितना आगे निकल गया, तुम कुछ सोचो। ये जो कंपेरिजन है ये माँ बाप ने, टीचर ने कभी नहीं करनी चाहिए, उससे उसको बहुत निराशा मिलती है, उसको हतोत्साही कर देते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परिणाम लाती हैं जिसकी शायद हमने भी कल्पना नहीं की है। हमारा काम होना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है वीक है बच्चा, लेकिन वो वीक क्यों है, क्योंकि आपने 90% वाले की तुलना करना शुरू किया इसलिए आपको बुरा लगता है। लेकिन आप उसको ये कहो कि देखो बेटा पिछली बार तुम 55% लाए थे, इस बार 60 ले आए, क्या कमाल कर दिया तूने। बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। 55 से 60 की जो खुशी है वो उसको 60 से 90 ले जाने की ताकत दे सकती है, लेकिन 90 क्यों नहीं लाया, इसलिए 60 को कोसते रहोगे तो बच्चा 60 से 40 की ओर चला जाएगा,
60 के 70 की ओर नहीं जाएगा। और ये एक एनवायरमेंट बहुत आवश्यक है। हम कोसते रहेंगे, हम उसको नीचा दिखाते जाएंगे बच्चों को, तो हम उसको कभी भी ताकतवर नहीं बना सकते हैं। मैं सरकार में काम करता हूं, अगर मुझे कोई छोटी भी बात किसी अफसर को कहनी है तो अलग से कभी मिल जाए तो बताता हूं कि देखो यार इसका कैसे करेंगे। लेकिन समूह में जब मिलता हूं मैं जी जान से उनकी तारीफ करता हूं, जी जान से करता हूं, और वो तारीफ झूठी नहीं होती है जी। उन्होंने भी अपने समय की जो भी शक्ति है अनुभव है पूरा निचोड़ दिया होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार दो कदम पीछे रह गया होगा, लेकिन उसके कारण उसकी मेहनत बेकार नहीं है जी। टीम स्पिरिट के लिए ये गुण बहुत आवश्यक होते हैं। मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा, आप अपनी तुलना अपने पुराने रिकॉर्ड से कीजिए, आप कंपटीशन अपने रिकॉर्ड से कीजिए, आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए। आप अगर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मौका नहीं आएगा। आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है कि मैं 3 घंटे नॉनस्टॉप काम कर सकता हूं, 3.5 घंटा करना है तो 3 का पता है तो 3.5 का सोच सकते हो, सामने वाला 5 का कर सकता है तो मैं 5 नहीं कर सकता हूं, छोड़ो यार मैं 3 के 3.5 कैसे कर लूं। ये बदलाव बहुत जरूरी है, अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा। अगला सवाल तेहरान से है, माननीय स्टूडेंट जयप्रीत सिंह का कहना है। नमस्कार सर, मेरा नाम जयप्रीत सिंह शाहपुरी है, मैं केंद्रीय विद्यालय तेहरान एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं तेहरान ईरान से बोल रहा हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल है, सीखते समय तारीफ मिले तो सीखने में ज़्यादा मन लगता है, तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ये सब क्यों नहीं अपनाते? क्लास में 2-3 बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चों के अच्छा करने पर भी उन्हें तारीफ नहीं मिलती, तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय कृपया इस बारे में बताएं, हम सब उत्सुक हैं। क्या उनका सवाल क्या था, पूरा समझ, क्या सवाल था उनका? बच्चे लोग जो है वो स्कूल में उनको तारीफ मिलती है और कुछ बच्चों को नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी। मैं पूरा सवाल उनका समझ नहीं पाया हूँ, तो शायद वो ये कहना चाहते हैं कि स्कूल में या घर में कुछ बच्चों को तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है लेकिन कुछ को नहीं मिलता है, यही था ना? एक तो ये सब हमको क्यों नजर आता है, इस बात पर हमारा ध्यान क्यों जाता है? इसका कारण ये है कि हम ओवर कॉन्शियस है और भीतर से हम वीक है। जब तक कोई पुचकारता नहीं है, सहलाता नहीं है, तब तक मुझे मेरे किए हुए का आनंद आता नहीं है। जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है वो तालियों की गूंज कितनी बजी कितनी नहीं बजी इसकी परवाह नहीं करता है जी, उसको विश्वास होता है। और मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये बाकी चीजों के उपरांत आपके भीतर अपने आप पर वो विश्वास होना चाहिए कि कोई सराहे या न सराहे, कोई पुचकारे या न पुचकारे, हमारे लिए कोई अच्छा करे या न करे, लेकिन मैं खुद एक स्थिति ऐसा पैदा करूंगा कि कभी न कभी मेरे टीचर को मुझे नोटिस करना पड़ेगा। उनको चैलेंज नहीं करना है, मन में रखना है मैं उनको जीत के रहूंगा। और एक बार आपने उनको जीतना तय कर लिया तो आप देखिए बच्चे में ताकत होती है, 3 महीने में टीचर को जीत लेगा। एक और विषय भी, बीच में एक सवाल आया था, मेरे मन में विचार आया
देखिए कभी कभार क्या होता है, टीचर भी उस बच्चे में विश्वास करता है या रुचि लेता है जब टीचर को लगता है कि उसके परिवार जन बच्चे में इंटरेस्टेड है। ऐसे बहुत माँ बाप होंगे जिन्होंने बच्चे को सातवीं से दसवीं या बारहवीं तक कौन टीचर पढ़ा रहा है पता ही नहीं होगा। क्या कभी बच्चे के जन्मदिन पर दोस्तों के साथ माँ बाप ने टीचर को बुलाया क्या? क्या माँ बाप कभी स्कूल में जाकर के किसी टीचर का जन्मदिन है बच्चे ने कहा कि देखिए आज मेरे टीचर का जन्मदिन है, माँ बाप स्कूल चले गए बच्चे के टीचर के जन्मदिन पर बधाई दी और कहा देखिए मैं तो घर में बच्चा मेरे पास तो 3-4 घंटे रहता है, 5-6 घंटे आपके पास रहता है, अब उसकी तो जिंदगी आपके हाथ में है, आपके मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। वो टीचर का मन क्या करेगा बताइए? उसको लगेगा कि भाई ये बच्चा तो उन्होंने मुझे सौंप दिया है, मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन अभिभावक का ये रोल ही नहीं रहा है। टीचर को न कोई अपने घर बुलाता है न माँ बाप, फिर हम जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा बस हो गया। माँ बाप सच क्या झूठ का, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कोई मुसीबत की बीमारी रो रहा है क्या है, बहानेबाजी कर रहा है कुछ नहीं, क्या समझते हो मैं RTI करूंगा, मैं FIR लिखवाऊंगा। बहुत माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे में कोई कमी महसूस नहीं करते, कभी नहीं करते, और उसके कारण अपना तो शायद युग को समझ जाता होगा लेकिन बच्चे की जिंदगी के लिए समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा है टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इन चतुष्क का एक मेल होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। वो अपने अपने तरीके से चारों कोने में अलग काम करेंगे नहीं होगा। ये व्यवस्था सहज रूप से विकसित हो सकती है और उसका परिणाम भी मिलता है। और मैं मानता हूं कि हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि जिन शिक्षकों के पास हम पढ़ते हैं उनके प्रति पूरे परिवार का एक आदर भाव पैदा हो। वो टीचर के पास जितना भी ज्ञान है ना वो आपके लिए वो निचोड़ देगा, आप देखना, स्पेशल अटेंशन करेगा। माननीय कुवैत से एक छात्रा ही है सारा सदव, वो अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहती है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सारा सदव फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी स्कूल कुवैत। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आई हैव बीन ऑब्जर्विंग अ मिसमैच बिटवीन द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड द ऑब्जेक्टिव विद व्हिच वी आर बीइंग टॉट। आवर टीचर्स ऑफन से दैट वी हैव टू इमर्ज एज गुड ह्यूमन बीइंग्स बट आवर एग्जाम पेपर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट दिस कंसर्न। सो आई हैव अ सजेशन फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन नीड्स टू बी लिंक्ड विद आवर ब्रॉडर एम ऑफ एजुकेशन एंड एवरी स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर एंड द बोर्ड एग्जामिनर मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। थैंक यू सर। क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ मैं, इस बात को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि परीक्षा पर पूछे गए सवालों और जिस मकसद से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए पर प्रश्न पत्र में ये कंसर्न जाहिर ही नहीं होता। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक सलाह है कि हमारी परीक्षा शिक्षा के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए और इस बात के प्रति टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बोर्ड एग्जामिनर्स सभी को सजग होना चाहिए। माननीय, इस बारे में आपके विचार हम सब जानना चाहेंगे। देखिए मूलतः शिक्षा में सारी बातें होती हैं। ये शिक्षा जो है वो कोई रातों रात तैयार नहीं हुई है, हजारों साल से मानव विकास यात्रा के साथ नई नई चीजें जुड़ती गई है, नए नए तरीके जुड़ते गए हैं। लेकिन कठिनाई तब होती है हमने शिक्षा को जिंदगी से काट करके एग्जाम से जोड़ दिया है और उसी का परिणाम है कि हमको लगता है कि स्कूल में जो बताया गया, अब जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे
तो पांचवी, छठी, सातवीं कक्षा के बच्चे अगर वहाँ टूरिस्ट के रूप में कहीं स्कूल बस आया है और टीचर ने बताया कि ऐसे चलना है, तो सभी बच्चे ऐसे ही चलेंगे, ऐसा होता है ना, हाथ पीछे बांध करके पूरा टूर देखेंगे, टूर प्रोग्राम ऐसे ही करते हैं ना। अब ये शिक्षा में नहीं है, लेकिन ये उसने जो सिखाया क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है क्या? डिसिप्लिन, मतलब ये मैं नहीं कहता हूं फिर रात पैर ऐसे करना ही मत। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सब चीजें होती है, हमारा उस पर ध्यान नहीं होता, या तो जो टीचर बताता है वो सिलेबस का तो ज्ञान देता है लेकिन ये चीज जिंदगी में कैसे काम आती है वो नहीं बताता है। हकीकत ये है कि शिक्षा के हर पहलू को जिंदगी के साथ रिलेवेंट करके पेश करना ये टीचर्स को हॉबी होनी चाहिए, उसको आदत हो। मैं छोटा सा बताता हूँ, मैं जो छोटा था तो हमारे एक टीचर थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और मेरा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था, तो गायकवाड़ राजा की एक विशेषता थी, तो जहाँ भी उनका राज होता था वहाँ प्राइमरी स्कूल होती थी, बच्चियों की शिक्षा कंपलसरी होती थी, पोस्ट ऑफिस होती थी, तालाब होता था, लाइब्रेरी होती, ऐसे कुछ उनके विशेषताएं थी, जहाँ जहाँ उनका राज होता था इतनी चीज़ें होती थी। तो मेरे गांव में भी उनकी एक स्कूल थी, तो सरकारी स्कूल थी, मैं उस पर पढ़ता था। हमारे एक टीचर की विशेषता थी, वो क्या कहते थे, हम सभी स्टूडेंट को कहते थे कि चलो तुम पांच खड़े हो जाओ, तुम कल घर से तुम पांच मूंग के दाने लाओगे, तुम सात मूंग के दाने लाओगे, तुम नौ मूंग के दाने लाओगे, दूसरे को कहते थे तुम तीन चने के दाने लाओगे, पांच चावल के दाने लाओगे, ऐसा वो अन्न के कुछ दाने, ज्यादा नहीं थोड़े, ले क्या। तो बच्चा क्या करता था, याद रखता था कि मुझे पांच मूंग के दाने ले जाने, तो घर में किसको मूंग कहते हैं वो सीख जाता था, किसको मूंग कहते हैं, पकड़ करके ले आता था बड़ा संभाल करके, तो मूंग फिर पढ़ाना नहीं पड़ता था किसको मूंग कहते हैं, मैं बिल्कुल बचपन की बात बताता हूं। फिर टीचर क्या करते थे, सारी चीजों को मिक्स कर देते थे, फिर बच्चों को कहते थे अच्छा भाई पांच बच्चे आ जाओ, इसमें से एक को कहेंगे चना, पांच चना नुको, तो उसको मैं एरिथमेटिक आ गया, चना पहचान गया, दूसरों को कहते हैं चावल पांच उठाओ दिखाओ, यानी पढ़ाने का उनका एक अपना तरीका था। अब बात छोटी है लेकिन जिंदगी से कैसी जोड़ देते थे, मतलब कि शिक्षा में सब नहीं है, ऐसा है नहीं है, होता सब है, गीत होता है, संगीत होता है, संवेदनाएं होती हैं, सपने होते हैं, सब होता है, लेकिन हमने अपने आप को, परिवार ने, टीचर ने, सब ने रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग, वही समस्या शुरू हो जाती है। जीवन को हम खोल दें, जीवन को हम विस्तृत कर दें, हर चीज में से अपनापन सीखना शुरू कर दें, अपने आप देखिए खुद की जिंदगी बदलेगी, परिसर की भी जिंदगी बदलेगी। सर मौली सिंह हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे बीच में, ये आगरा की हैं और पढ़ती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हूँ मौली सिंह ठाकुर तेज सिंह डिग्री कॉलेज आगरा से, और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो नई जगह पर जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते, कई सारे स्टूडेंट्स को होम सिकनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें और कैसे उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं, धन्यवाद। माननीय ये आखिरी सवाल है, कृपया इस बारे में हम सबको कुछ कहें। भारत जैसे देश में ये डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है। भारत की जो मूलभूत समाज रचना है उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है, लेकिन दुर्भाग्य से समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसने स्थिति पैदा की। पहले हमारा ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था और ज्वाइंट फैमिली होने के कारण बच्चा दो बातें पिताजी को नहीं कह सकता था, वो दादी माँ के आगे कह देता था, मन हल्का हो जाता था। दो बातें दादी माँ से कहता था लेकिन लगता था कि जरा माँ से पूछ लूँ तो वहां जाकर के, एक प्रकार से उसको एक अवसर मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आज स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम, सप्रेशन के लिए ज्यादा, इस तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाप भर जाती है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, इसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। माँ बाप ने बच्चों के साथ उसकी रुचि के अनुसार खुलेपन से बातें करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हॉस्टल भी चला गया तो उसको विश्वास है कि इस परिस्थिति को मेरे माँ बाप को मैं बताऊंगा तो समझेंगे। लेकिन अगर आप कट ऑफ है, वर्क सेटअप, कितने मार्क्स लाए, क्यों देर से आए, किसके साथ गए थे, फोन किस पे बात करे, इसी में लगे रहे तो एक ये कट ऑफ स्टेज बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। दूसरा, ये माँ बाप का जिम्मा है कि ये डिप्रेशन अचानक नहीं आता है, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। कुछ एक होता है जो एक्साइटमेंट में कुछ कर दें वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर धीरे 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 वो लुढ़कता जाता है। जागरूक माँ बाप देखते कह रहे क्या बात है भाई, ये पहले तो बड़ा आग्रह करते थे, खाता नहीं था, अचानक बैठता है बस खाता ही रहता है, बात नहीं करता है, ये अचानक उसका वेट बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकली क्या हुआ है। तुरंत माँ बाप देखते भाई कुछ होगा, तब ये स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ ज्यादा खा रहा है, कभी सोता नहीं था दोपहर को, आज ऑफिस से आ गया अचानक सो गया, कमरे में चला गया तो मुंह ढंग करके बैठ गया, क्या कर रहा है। अगर उसको वो जागरूक अवस्था से लेते हैं और उसको उसी समय हैंडल करते हैं तो बाद में अगर बाहर जाता है तो प्रॉब्लम। दूसरा, कहीं पर भी जाते हैं माँ बाप ने देखना चाहिए कि वहां किसी न किसी परिवार से उसको हम जोड़ सकते हैं क्या, बच्चे को जान पहचान वाले किसी से, उसके लिए थोड़ा खर्च करना पड़े तो खर्च करना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए जरा भाई सप्ताह में एक दिन जब छुट्टी हो तो बच्चे को जरा घर बुला लेना, आप भी कभी हो आना, और बच्चे में अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसको एक धीरे धीरे एक नया परिवार मिल जाएगा, खुल जाएगा। दूसरा, काउंसिलिंग से हमने संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो माँ बाप को लगता है कि कहीं लीक हो जाएगा तो किसी को पता चलेगा कि बेटे का काउंसिलिंग चल रहा है, हम उससे इज्जत भी गंवाते हैं, बच्चा भी गंवाते हैं। कोई संकोच नहीं करना चाहिए, थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं हमने उसको काउंसिलिंग करना चाहिए। बच्चे के साथ सही तरीके से बात करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसके भीतर की जो भी बीमारियां हैं उसको निकाल देते हैं। लेकिन हॉस्टल में जो रहते हैं उनको मेरा एक छोटा सा अपना अनुभव के आधार पर मैं बताता हूं, ये कर सकते हैं काम। हो सकता है कुछ घटना ने आपको परेशान कर दिया है, या कुछ आपने सुना है, आप बेचैन हैं, मन का आक्रोश, मन की वेदना कैसे प्रकट करना आपको रास्ता नहीं सूझता है, कुछ नहीं, आप हो सके तो हॉस्टल के बाहर जाइए, किसी पेड़ पे नीचे अकेले बैठिए और एक नोटबुक ले जाइए, उस कागज पे सारी घटना का वर्णन लिख दीजिए, लिखते चले जाइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, खुद को क्या लगा, सारा जितना जैसे फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाइए, फिर उसको पढ़िए मत, वहीं पर उसको फाड़ के जेब में टुकड़े डाल दीजिए, स्वच्छ भारत ये डालना है। फिर भी मन हल्का नहीं हुआ, दोबारा लिखिए। पहले अगर आपने 8 पेज लिखा होगा, दोबारा लिखे हो तो 3-4 पेज में हो ही बात आ जाएगी।
फिर भी उसको फाड़ दीजिए, टुकड़े जिम में डाल दीजिए, तीसरी बार लिखिए, अब देखोगे तीसरी बार वही बात एक डेढ़ पेज में आ जाएगी। भीतर का जो है वो कागज पे टपकता जाएगा, अंदर से कम होता जाएगा, आप एब्सोल्युटली रिलैक्स फील करेंगे। आपको ये भी डर नहीं रहेगा, आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा, किसी को, हम बात क्यों बताते नहीं है, डर लगता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। खुद ही अंदर एक जगह है, खुद ही लिखें, उसको फाड़ दें, आप देख लेना घर में भी ऐसा वातावरण बिगड़ गया हो, मम्मी नाराज हो, टिकना हो, फलाना हो, और मान लीजिए आप रखते हैं, आप अलग से बैठ करके लिख लीजिए, आपके भीतर की सारी जो मानवीय जो विकृतियां हैं वो कागज के सहारे से बाहर निकल जाएगी। यही अल्टीमेट उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है, ये छोटा सा उपाय भी कुछ पल के लिए तो आपका सहारा कर सकता है, कुछ दिन के लिए सहारा कर सकता है, खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है। दूसरा, कोई एक, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई सीनियर स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई एक हमने ढूंढ के रखना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें, उससे कभी मन की बातें बताया करें कि देखो यार इस बार तो माँ का फोन ही नहीं आया, चीज बड़ी नहीं होगी, उसके सामने कहो तो वो कहेगा, वो आपसे शायद उम्र में छोटा होगा तो अरे चिंता मत कर यार माँ काम में होगी, हमें लगता है हमारी दवाई हो गई, हमारा उपचार हो गया, क्यों किसी ने कह दिया यार हाँ माँ काम में होगी, मेरा मन कहाँ चल रहा था दो घंटे से, देखो आज जन्मदिन है माँ का फोन नहीं आया, हो सकता है वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है मोदी सरकार की बातें कुछ भी हो लेकिन इंटरनेट न चलता हो। और हम गुस्सा माँ पे निकालते हो, टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है, तो वो एक छोटा सा वाला है, अरे अरे चिंता मत करो, चलो चलो खा लेते हैं, चलो यार हॉस्टल में चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं तेरा जन्मदिन माने नहीं, अरे चलो अपन जाते हैं, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं, चॉकलेट खा लेते हैं। एकाध दोस्त तनावपूर्ण जिंदगी को भी बहुत हल्के फुल्के से ठीक कर लेता है। मैं समझता हूं जीवन ऐसा खुलापन हो जाए, और मुझे तो, मैं बहुत छोटी आयु से बाहर हूं तो मैंने जिंदगी को एक अलग तरीके से देखा, अलग उतार चढ़ाव से जिंदगी मेरी गुजरी है, और इसलिए मुझे इन चीजों को व्यवहारू बातें उसने मुझे जीना सिखाया है, और मैं समझता हूं कि शायद मेरी जैसी जिंदगी अलग थी तो सबको काम नहीं आ सकती है, लेकिन छोटा सा ये प्रयास है। लेकिन डिप्रेशन को लाइट न बच्चों ने लेना चाहिए, न गार्डियन ने लेना चाहिए, न टीचर ने लेना चाहिए, ये अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर समय पर रहते सही तरीके से उनको साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे, स्थिति को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। और भारतीय समाज व्यवस्था ऐसी रही है कि जिसने हमें परिवार में ही एक प्रकार से हमारा डीएनए ऐसा बना हुआ है, हम ऐसी चीजों को आसानी से झेल सकते हैं, ऐसी चीजों से जूझ सकते हैं, और ऐसी चीजों से जिंदगी के रास्ते खोज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं ये आखिरी सवाल था, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करने का, बहुत ही अच्छे सवाल आप लोगों के थे, मुझे भी आराम से आप लोगों से बात करने का मौका मिला। लेकिन मेरी अभिभावकों से एक आखिरी एक विनती है कि आप कभी, अगर आपका बेटा 14 साल का है तो दिन में एक बार, माँ और बाप दोनों, दिन में एक बार आप जब 14 साल के थे तब क्या होता था, तब आपके मन में विचार क्या आते थे, तब आपके माँ बाप जो करते थे उससे आपको क्या होता था, एक बार याद कर लेंगे, आपके और आपके बच्चों के बीच का तनाव कभी नहीं बढ़ेगा। खुद ही एक बार याद कीजिए कि आप 14 साल के थे तब क्या होता था, तो 14 साल के बच्चे के साथ क्या करना, वो आपका ही अनुभव आपको सिखा देगा।
आपके माँ बाप से आपने जो सीखा है वो सिखा देगा। लेकिन बहुत माँ बाप हैं वो अगर 50 के हो गए तो चाहते हैं बच्चा भी 50 के हिसाब से उनसे बात करे। आवश्यकता है, बेटा 14 का है, बाप 50 का है, बाप 14 का बन करके उस बेटे को समझने की कोशिश करे, काफ़ी समस्याएं परिवार की सुलझ जाएगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एग्जाम उत्सव बने, आप जीवन को सफल बनाएं, जिंदगी को जीतें, गुण संपदा आपकी जिंदगी की ताकत है। पर्चे में लिखे हुए गुणांक ये जिंदगी में अल्टीमेट नहीं होता है। हम अपने आप को एजुकेट भी करें, हम आपको अपने आप को ट्रेन भी करें। जितना महत्व एजुकेशन का है उतना ही महत्व जिंदगी में ट्रेनिंग का है, ये संतुलन बना करके चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको प्रेरित करने के लिए। परीक्षाएं जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं है, परीक्षाएं जीत और हार का प्रश्न नहीं है। आइए आज हम सब इस बात को भली भांति समझें कि हम दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा न करें बल्कि अपने साथ अनुस्पर्धा करें। इस भाव से परीक्षा में बैठें कि हम खुद अपना भविष्य तय करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है, बी योर ओन एंकर, सेलिब्रेट योर स्ट्रेंथ्स। अपनी क्षमताओं के साथ नित नए प्रयोग कीजिए, यह आपको स्वयं को पहचानने का अवसर देगा। स्वयं को जानिए और अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए। उत्साहित छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटोग्राफ्स लेते हुए और उनसे संवाद करते हुए बेहद उत्साहित, सभी के लिए अविस्मरणीय क्षण। ऐसा देश के इतिहास में ये पहला मौका कि देश के प्रधानमंत्री सीधे छात्रों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित कर उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका प्रोत्साहन करें। ऐसा संवाद जो अभूतपूर्व है, ऐसा संवाद जो आज तक अकल्पनीय था। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि आप खुद के साथ स्पर्धा करें, कल जहां थे उससे दो कदम आगे बढ़ें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यही आपकी विजय है, कभी भी दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, खुद के साथ अनुस्पर्धा कीजिए। पहले हमें खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा और खुद के लिए काम करना होगा। स्वयं को जानिए और अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए। आइए परीक्षा के इस काल को उत्सव की तरह मनाएं और ऐसे विद्यार्थियों को बनाएं
जो भविष्य के भारत को अपनी ऊर्जा से नई दिशा दें।